उधर कहाँ जा रही हो भाभी? अपने कमरे में चलो, आपके कपड़े तय करके अलमारी में रखना है ना भाभी। इधर देखो, जो भी करूंगी आपकी आंखों के सामने करूंगी, कुछ इधर उधर हो गया तो फिर कहोगी मैं चोर हूं। चलो ना। अरे चलो क्या, सुनो तो, क्या कर रही हो? नहीं, मैं दरअसल तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्यों भाभी? वो दूध हल्दा वाली थाली धो ली क्या? नहीं, पर क्यों? जरा वो ले आऊंगी। दरअसल तब अचानक गरम दूध को छू के ऐसा झटका लगा, लगता है बिछिया थाली में गिर गई होगी। देखो नहीं है, जरा ले आओ ना, जैसा है वैसा ही लेकर आ जाओ प्लीज। रो मत दीदी, चुप हो जाओ। चुप करना, एक बार शुरू हो जाती है तो रोती ही रहती है। तंग आ गई मैं इससे। मेरा तो नसीब ही खराब है जो ऐसी बेटी को जन्म दिया मैंने। गौर भैया को फोन लगाओ सुजातो, उनसे कहो शहनाई बजाएं। दीदी का रोना धोना इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाला। शहनाई की आवाज से रोने की आवाज दब सकती है क्या? चुप कर, और कितना रोएगी तू? घर में शादी का माहौल है, उस पर ये सब। देखिए बड़ी माँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे रो धो के मार पिटाई करके कोई फायदा नहीं। फायदा है क्या? दीदी को ये सब करना ही है, उसे बेहतर है ठंडे दिमाग से शांत रह के क्यों ना हम कुछ और सोचें। क्या सोचेगा बेटा, क्या सोचेगा? घर में इतने सारे मेहमान हैं, इस लड़की का मुंह कैसे बंद कर पाऊंगी? कल तो और मेहमान आएंगे बेटा। दीदी को स्टोर रूम में डाल दो, एकदम घर के पीछे रहेंगी, अगर चिल्लाएंगी भी तो कोई जान नहीं पाएगा। इसने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, आप बिल्कुल ऐसा इंतजाम कर दो बड़ी माँ। लेकिन ये सब होगा कैसे? बड़ी भाभी से कभी ना कभी तो वो मिलेगी ना। कुछ देर पहले ही मुझसे पूछ रही थी वो कौन थी, ऐसा क्यों कह रही थी? ओ बाबा, इतने में सवाल भी करने लगी है? ढील मत देना, बिल्कुल ढील मत देना पोशी। नई नवेली दुल्हन घर आते ही इतना क्यों पूछताछ करने लगी? अच्छा तू जा, तू जा, जाके स्टोर रूम में इसके लिए एक बिस्तर बिछा दे, जा। नहीं बाबा, मैं यहाँ से निकली तो बड़ी भाभी 10 सवाल करेंगी। छोटे भैया तुम जाओ। कैसी बचकानी बातें कर रही है, कब तक ऐसे छुपते फिरेगी? उनके सामने ऐसे जा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओहो माँ, तुम बोलो ना छोटे भैया को जाने के लिए। तू जा बुकाई, छोटे के नखरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अरे भाभी, आपकी पैर की बिछिया तो पलंग पे ही थी, बेकार में ही मुझसे मेहनत करवा दी।